कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। होर्डिंग्स व विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े होने के कारण आपसी प्रतिस्पर्धा इस हद तक जहाँ पहुँची कि मुजफ्फरनगर के उद्यमी सत्य प्रकाश रेशू ने मुजफ्फरनगर से पलायन करने की चेतावनी देते हुए पोस्टर जारी कर दिया। सत्य प्रकाश रेशू का आरोप है कि वह बराबर कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल को सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन वह अपने मंत्री पद का गलत इस्तेमाल कर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। उत्पीड़न जब सभी हद पार गया तो उन्हें मुजफ्फरनगर से पलायन का फैसला करना पड़ा। सत्य प्रकाश रेशू ने पलायन की यह चेतावनी बीते दिवस ही दी थी। आज उन्होंने दावा किया कि समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा इस बारे में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से वार्ता कर समझौता करने के आश्वासन पर फिलहाल उन्होंने पलायन का यह फैसला अपना स्थगित कर दिया है। लेकिन यदि यह उत्पीड़न जारी रहा तो वह अब कपिल देव के सामने बड़ी लाइन खींचने के लिए मजबूर होंगे। आज पत्रकारों से बातचीत में रेशू ने कहा कि सिंचाई विभाग के टेंडर को बिना वजह मंत्री कपिल देव ने रद्द करा दिया। उनके स्टाफ के लोग आकर ही उनकी असलियत बताते हैं। बेवजह दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हमने हर कदम पर कपिल देव अग्रवाल का सहयोग किया है, लेकिन वह नहीं माने। अब हमें बड़ी लाइन खींचने के लिए तैयार होना होगा। देखिए क्या कहा मुजफ्फरनगर के उद्यमी सत्य प्रकाश रेशू ने। एक पोस्टर आपने जारी किया था, क्या कुछ मामला है? मैंने निश्चित रूप से एक पोस्टर जारी किया था कि माननीय मंत्री कपिल देव जी एक बड़े ही संवैधानिक पद पे हैं और उन्हें मुजफ्फरनगर की प्रोग्रेस में हमें सहयोग करना चाहिए, न कि छोटी छोटी बात के लिए उत्पीड़न करना चाहिए। लेकिन समाज के कुछ लोगों ने आज आके ये कहा कि इस प्रेस को आप पोस्टपोन कर दें, और यदि उसके बावजूद भी समाज के लोगों की बात वो नहीं मानते तो फिर दोबारे से आप अपना पलायन यहाँ से कर सकते हैं। पलायन की नौबत इसलिए पड़ी कि वो हमारी छोटी छोटी बातों में, टेंडर में, होर्डिंग हटवाने में, व्यापार को तोड़ने में और बहुत सारे लोगों को यहाँ भेजने में तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं जो उस संवैधानिक पद पे किसी भी सूरत में उन्हें शोभा नहीं देती। आप कह रहे 15 साल से उत्पीड़न कर रहे हैं, आपने आज तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कराई इनके खिलाफ अगर ऐसा उत्पीड़न हो रहा? समाज की एक ऐसी परंपरा है कि यदि समाज के लोगों के माध्यम से उस उत्पीड़न को निपटा लिया जाए या स्वयं सह लिया जाए, और एक पुरानी परंपरा है छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींच दी जाए, तो आज अभी तक हम यही करते आए और आज भी हमने यही करा। तो बड़ी लाइन खींचने की तैयारी है? पूरी तैयारी है। अगर बात नहीं मानी जाती, सुलह नहीं होती, तो फिर अगला कदम क्या होगा? यदि सुलह नहीं होता है तो जैसा मैंने अभी कहा कि हम बड़ी लाइन निश्चित रूप से उनके समक्ष खड़ी कर देंगे। क्या 27 से पहले कुछ बड़ा गेम खेलने का इरादा है किसी के साथ मिलते? नहीं, ऐसा तो मेरा राजनीतिक विचार नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि वो इस तरीके से उत्पीड़न करेंगे तो हम निश्चित रूप से उनका खुल के विरोध करेंगे, और पलायन करना पड़ा तो पलायन भी करेंगे। जो है आप व्यापार का कंपटीशन बता रहे हैं अपने बीच में? नहीं, कोई व्यापार का कंपटीशन नहीं है। जब आदमी इतनी ऊंचाइयों पे आप लोगों की शुभकामनाएं से पहुंच जाता है, तो जब मैं 1000 से भी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को सपोर्ट कर सकता हूँ और उनको भी सपोर्ट करता रहा और उनके लिए बहुत सारे काम भी करता रहा और उनसे कोई कभी आज तक पैसा भी नहीं लिया उस चीज़ का, जो है उनके चुनाव में भी हम मीटिंग कराते रहे, होर्डिंग लगाते रहे, सभी कावड़ पे भी उनकी होर्डिंग फोटो लगा के होर्डिंग लगाई, तो ये हमारी व्यवहारिकता बनती है कि यदि हमारे बीच का कोई व्यक्ति इतने ऊँचे पद पर है तो उसको आप लोगों के माध्यम से और समाज के माध्यम से जागरूक जरूर करा जाए कि भाई तुम गलती कर रहे हो, जाग जाओ। सिंचाई विभाग से जुड़ा हुआ आपने मामला बताया था, क्या पूरी उलझन है, क्या उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं मंत्री? मैंने आपको बताया कि एक टेंडर बिना वजह की 21 तारीख का था, हमारा 23 तारीख का टैक्स जमा था, उन्होंने वो पोस्टपोन कराया, फिर 12 तारीख कल का था वो पोस्टपोन कराया, और बिना वजह की ऐसे ऐसे दबाव बनवा रहे हैं जो नहीं उन्हें बनाने चाहिए, और उनके स्टाफ के लोग ही हमें आगे बता रहे हैं। पेमेंट भी जो टेंडर था वो कोई पेमेंट नहीं रुका हुआ हमारा। जो टेंडर था वो कितना बड़ा टेंडर था, कितना अमाउंट का टेंडर था, कितने सालों से आपका था?
ये लगभग हमारे पे एडजेक्ट ईयर तो मुझे मालूम नहीं, पर काफ़ी लंबे समय से हम बिट के माध्यम से मतलब ऑक्शन के माध्यम से लेते आए हैं, और इस बार भी हमने आमंत्रित करा था मंत्री जी को। पहले कितने में था हुआ? मुझे ऐसे अमाउंट याद नहीं। इस टाइम प्रेस वार्ता की चेतावनी भी दी, आपने एक प्रेस वार्ता की भी है, अब दूसरी प्रेस वार्ता है, क्या है ये मामला मंत्री पे आरोप हुआ? इसका संक्षिप्त में ये उत्तर है कि समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों के द्वारा बीच में आने से एक मीटिंग तय कर दी गई है, और आशा है इसका समाधान उस मीटिंग में निश्चित रूप से हो जाएगा, ताकि हम भी और वो भी दोनों लोग अपना अपना काम करेंगे और मुजफ्फरनगर की प्रगति में चार चांद लगेंगे। आपने अभी कहा है कि 15 सालों से लगातार जो यूपी सरकार ने मंत्री कपिल देव वह आपका शोषण कर रहा है, क्योंकि आपकी भी एक एडवर्टाइज कंपनी है, उनकी भी एक एडवर्टाइज कंपनी है, किस चीज का शोषण है वो बताइए। जो आज मैंने आपको बताया कि ये सब बातें हो चुकी हैं, और जब समाज के लोग बीच में आ जाते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात को हम सम्मान दें और उस बात का इंतजार करें जो समाज के लोगों ने तय करी है। सतपुड़ा रेजू जी, क्या दबाव की वजह से पलायन का प्रोग्राम कैंसिल किया गया है? प्रेस वार्ताओं में ना बोलने का आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कारण क्या है होता है? देखिए, कोई दबाव किसी ने नहीं दिया, लेकिन एक पढ़े लिखे होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि समाज की बात को सर्वोपरि रखते हुए, सम्मान की निगाह से देखते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। समाज के लोग, समाज के जैसे सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, प्रमोद मित्तल हैं, अंकुर गर्ग हैं, IIA के अध्यक्ष हैं पवन जी, और अपने कुंज बिहारी अग्रवाल जी हैं, और बहुत सारे लोग। पहले इन लोगों से आपने बात नहीं हुई थी क्या? आपने बताई नहीं थी अपनी समस्या मंत्री जी, मंत्री कपिल देव अग्रवाल को लेकर? ये बात इन सब ये बात इन सब लोगों को नहीं बताई गई थी, केवल एक दो लोगों को बताई गई थी, और जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं ये स्टेप उठा रहा हूं। समस्या का समाधान हो गया? मैंने बताया ना कि समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। क्या आप चुनाव लड़ेंगे 2018 कपिल देव के सामने? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल कोई चुनाव लड़ने का इरादा अभी तक तो नहीं है। अच्छा, अगर आप जो आप कह रहे हैं समाज के लोगों से बातचीत चल रही है कि अगर उसमें कोई ठोस कदम नहीं निकलता तो निर्णय क्या होगा? निर्णय यदि वैसे तो समाज के लोग जब बैठते हैं तो ठोस ही निर्णय देते हैं, है ना, और उससे हमें स्वीकार करना होता है, और यदि नहीं किसी कारण से निकला, ठोस निर्णय नहीं निकला, तो फिर दोबारा से रणनीति तय होगी, आप लोगों को बुलाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, बताई जाएगी बात। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।